आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज का जो विषय मेरा विषय है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2015 में ग्राम विकास अधिकारी के पद का विज्ञापन निकाला गया था, उसी से संबंधित चयनित व अचयनित मेरी इस बात को जरूर से ज़रूर सुने और मेरी बातों को अमल में लाएं और ध्यान दें। और सेकंड लिस्ट से संबंधित बहुत तरह की अफवाहें जो फैल रही हैं, विद इन 1 से 1.5 साल हो गए इस तरह की जो बातें चल रही हैं और दलालों से जो है लोगों का पैसा लेकर के दलाल बेवकूफ़ बना करके खा चुके हैं, और इस तरह की जो अफवाहें फैल रही हैं इस तरह की बातें कहीं भी नहीं हैं। और जो अफवाह फैलाई जा रही हैं, आप लोग मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ रियलिटी इसकी क्या है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो ग्राम पंचायत अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी, जिसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, लोगों को लगभग 1.5 साल हो चुका है नौकरी करते हुए। और सेकंड लिस्ट की जहां तक बात है उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं कि ग्राम पंचायत अधिकारी का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था, सिलेक्शन हो जाने के बाद इसके लिए रेट किया गया था, जो कि गौरव सक्सेना अन्य बनाम के नाम से कई केसेस को कनेक्ट किया गया। वो केस आज भी चल रहा है और वो तो न्यायपालिका का कार्य है, जो उसमें निर्णय आएगा वो सर्वमान्य होगा। और बाकी सेकंड लिस्ट से संबंधित बात अब आप लोगों को सच्चाई में बताता हूँ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पूर्वकालीन सरकार, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, राजकिशोर यादव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के में अध्यक्ष होया करते थे, और उनके समय में जब रिजल्ट ये आया था, रिजल्ट आने के बाद कुछ लोगों का वेटिंग लिस्ट उन्होंने तैयार किया था, ये वाकई ये सच्चाई है। इस लिस्ट को तैयार करने के बाद आचार संहिता लग गई थी, उन्होंने वो यह लिस्ट जो है जारी नहीं कर पाए थे। इसके बाद उनको नई सरकार बनने के बाद उनको पद से त्याग देना पड़ा था, अपने इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। तो वो जो लिस्ट जो बन के जो उन्होंने बना के जो रखी हुई थी, वो आज भी जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में मौजूद है, वो किसी फाइल में उसको बंद करके रखा गया है अलमारी में। इसके विषय में ना तो अभी तक कोई सूचना है, ना तो अभी तक आयोग के माननीय चेयरमैन सीवी पालीवाल साहब ने इस पे कोई निर्णय लिया है, ना तो इस तरह की कहीं कोई बातें हुई हैं। अब आपको बताते हैं, जो लोग बता रहे हैं कि नंबर बढ़वा देंगे, नंबर बढ़वा करके इस तरह से करवा देंगे सिलेक्शन हो जाएगा, जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। जो दलाल है ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनके नंबर कम है, उन भाइयों को मेरी तरफ से सलाह है कि इन सभी दलालों के बहकावे में ना आए, अपना फालतू का समय बर्बाद ना करें। और आप लोगों को जैसा कि सर्वविदित हर किसी को पता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सबका नंबर जारी किया था, रिटर्न का नंबर और जो है सबका नंबर। अगर इस तरह से गलत तरीके से करके अगर कोई कुछ करना चाहता है तो सीधे सीधे साफ साफ समझ जाए, हर कोई पढ़ा लिखा वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, सब लोग जो तैयारी करके इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे हुए थे, तो जाहिर सी बात हर कोई समझदार है, समझने की क्षमता रखता है। तो इस बात को ध्यानपूर्वक वह समझ ले और जान ले कि जिसके नंबर कम है वो ये सोचता है कि दलाल के बहकावे में आकर के अपना पैसा की बर्बादी करके और सेकंड लिस्ट की जो लिस्ट आएगी उसमें वो हो लेगा, ये सरासर गलत है। इस तरह जो लिस्ट बता रहे हैं, दलाल कह रहे हैं कि लिस्ट आने वाली है 25 जून को आने वाली है या लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है, तो इस तरह की अभी कोई सूचना ही नहीं है। अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को से माननीय चेयरमैन सीबी पालीवाल साहब के द्वारा इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। और जैसे पूर्व सरकार में राजकिशोर यादव सर जो थे, जो फाइल जो बना के रखी गई थी वो आज भी वहाँ पे मौजूद है, वो फाइल अभी भी ऐसे ही रखी गई है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि लिस्ट आने वाली है, क्या है कैसे है। और बाकी जहाँ तक रही विजिलेंस की जांच, सभी भर्तियों में विजिलेंस की जांच जो है वो पूरी हो चुकी है, वो रिपोर्ट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंपी जा चुकी है। अब उस पर जो निर्णय लेना है माननीय चेयरमैन सीबी पालीवाल साहब लेंगे। अब आप लोग इन सभी बातों से बिल्कुल हट करके अपनी तैयारी में लग जाइए। तमाम वैकेंसीज आए हुए हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों का विज्ञापन आएगा, और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में और भी वैकेंसियों का विज्ञापन आएगा। इन सभी बातों से